इंट्रोडक्शन, आपका नाम? मेरा नाम है नीरज घेवन और मैंने अभी एक फिल्म बनाई है मसान, जो आप जरूर देखिएगा 24 जुलाई को। सर किस तरह की मूवी है ये, स्टार कास्ट की बात करें? देखिए, ये फिल्म है हमारे छोटे शहरों की कहानी है, जहाँ पे लोगों की बहुत सारी अभिलाषाएं होती हैं कि कहीं वो आगे बढ़े। एम्बिशंस उनके बहुत ज़्यादा हैं, प्रगतिशील हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन उसी के चलते क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे रूढ़िवादी संस्कार हैं, कहीं हमारे पुराने ख्यालात हैं, जिसकी वजह से हम खिंच जाते हैं और हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो ये उसी कगार पे फिल्म सेट है। तीन कहानियां हैं और तीनों कहानियों में, एक कहानी में एक लड़की है जिसके साथ, जो रिचा चड्ढा प्ले कर रही है देवी का किरदार, उनके साथ एक सेक्सुअल स्कैंडल हो जाता है, उसके साथ किस तरह वो फंस जाती हैं उस पर एक विवाद है, नैतिकता पर विवाद है उस स्टोरी में। दूसरी एक स्टोरी है जिसमें रिचा के पिताजी जो संजय मिश्रा प्ले कर रहे हैं, वो हैं एक पंडित, घाट पंडित हैं, और वो इस चीज़ से कैसे जूझते हैं और घाट पे कैसे पैसे बटोरते हैं एक पुलिस ब्राइबरी में के केस में फंस कर। तीसरी कहानी है एक बनारसी घाट, हरिश्चंद्र घाट पे सेट एक डोम प्रजाति है, जिसमें एक लड़का है जो इंजीनियर बनना चाहता है और वो एक हायर कास्ट लड़की से प्यार में पड़ जाता है। ये तीन संवाद हैं जो कहीं ना कहीं शायद गंगा जी से जुड़ती हैं। तो ये कहानी वो है, एक स्टोरी है, तीन तीन स्टोरी का मिश्रण है, ऐसा क्या तालमेल है स्टोरी का? तालमेल देखिए, ऐसा ये है कि तीन पहलू मान लीजिए या तीन तरह की विचारधाराएं दिखा रहे हैं जो इस फिल्म में हैं। कहीं ये हमारी कोशिश रही है कि हमारे छोटे शहरों को बखूबी एकदम एक नई छवि दिखाना, क्योंकि आप कभी भी देखेंगे कि छोटे शहरों के बारे में जब भी फिल्में बनती हैं तो या फिर एक व्यंगात्मक तरीके से दिखाया जाता है या एक बाहरी दृष्टिकोण से दिखाया जाता है, ये नहीं कि आप एक अंदरूनी विचार हो, एक रियलिस्टिक अप्रोच हो, तो ये इसीलिए है। और यूथ वर्सेस लाइक फिल्म में जैसे यूथ है जो रिप्रेजेंट करनी है, रिचा, विक्की और श्वेता, वो लोग प्रगतिशील हैं, लेकिन जो फिल्म के सोसाइटी, फिल्म के लोग हैं, जो बनारस के लोग हैं, वो शायद कहीं ना कहीं रूढ़िवादी हैं, वो उनकी अपनी अभिलाषाओं से पीछे उनको खींच रहे हैं। आपको कहीं ऐसा नहीं लगा कि जो आपने डूम का दिखाया गया है कि कंट्रोवर्सी हो जाए एक शेड्यूल कास्ट वाले, या फिर कुछ ऐसे डूम जाति के लोग हैं जो आके बोले कि हमारी जाति को इसमें दिखाया गया है? एक्चुअली आपके दिमाग में एक बार तो ख्याल आएगा डूम की जो बात किया? देखिए, जो हमने किया है इसमें हमें से हैं, हाँ, डूम के बारे में नहीं, जो डूम जो प्रजाति है उनका हमारे लिए बहुत सहयोग रहा है इस फिल्म में। इनफैक्ट हम जब रिसर्च कर रहे थे तब मैं और वरुण बहुत सारे एक चौधरी परिवार है उनसे मिले, बहुत सारे लोगों से मिले, हमने जाके वहाँ पे मसाननाथ में मसाननाथ की पूजा की, बहुत कुछ हमारा सहयोग उन लोगों से रहा है। और ये है कि देखिए, हम लोग कहीं पे भी एक सोशियो पॉलिटिकल एंगल नहीं दे रहे इस फिल्म में, हम लोग वो एक पृष्ठभूमि है बनारस की जिसमें सारे चीज़ चल रहे हैं, लेकिन लोगों के बीच का जो इक्वेशन है, जो इंटरपर्सनल रिलेशन की कहानी है, वो ज़्यादा मुख्य है, वो सामने उभर के आई है, बाकी ये सब बैकड्रॉप में है, इसलिए मुझे नहीं लगता कोई कॉन्ट्रोवर्सी होगी या कुछ होगा। डूम की जो आपने बात की, इसमें एक जाति ऐसी भी है जो ड्रग्स माफिया हैं, जो घर घर में दारू बनती हैं और सप्लाई करते हैं, एक कास्ट है, शायद आपने इस मूवी बनाई, इसमें थोड़ा रिसर्च भी किया होगा, कहने की वो इसमें दिखाया गया है? नहीं, हमारे क्योंकि देखिए हमारे ये उद्देश्य नहीं था कि विभिन्न तरीके की जगहों पे एक सब कल्चर को एक्सप्लोर करें बनारस में, ये हमारा उद्देश्य नहीं था। हमारा ये था कि हमारे पास ये कहानी है और हमें कहानी कहनी है, ये नहीं था कि बनारस का एक पहलू दिखाएं, बनारस के कुछ अवगढ़ दिखाएं या कुछ ऐसे साधु दिखाएं जो गांजा पीते हैं, ये एग्जॉटिसिज्म पे नहीं था कि हम लोग बनारस को ऐसा दिखा दें, हमारे लिए कहानी कहना ज़्यादा ज़रूरी था। रिचा की बात करें, क्या कहना चाहेंगे रिचा चड्ढा के बारे में? देखिए, रिचा चड्ढा जो थी, खास मकसद ये था कि मतलब मैं उनको जान रहा था पहले से, गैंग्स ऑफ वासेपुर में बतौर असिस्टेंट था मैं, तो उनको पहले से अच्छे से जान रहा था, और ये जो किरदार था बहुत ही संजीदा किस्म का किरदार है, और उसको प्ले करने के लिए मुझे एक बहुत ग्रेट एक्टर की ज़रूरत थी। वो रिचा चड्ढा हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, बहुत उनका एक हंसमुख स्वभाव है, कहीं किसी भी इसमें ढल जाती हैं, और मुझे इस फिल्म में ऐसा चाहिए था कि जो कल्चरली एकदम समझे चीज़ों को, भाषा का एक बहुत अहम हिस्सा है इस फिल्म में, तो रिचा के साथ वो सारी खूबियाँ हैं, तो वो उनका इस फिल्म में होना स्वाभाविक था, इसलिए हमने फिल्म उन्हें सोच के ही लिखी गई है, वरुण ने इस फिल्म को लिखा है, उसने सोच के ही लिखा है। हम अगर ये कहें कहीं ना कहीं गैंग ऑफ वासेपुर की ही पूरी टीम है तो दो राय नहीं होगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि एक तरह से हमारे लिए एक खुशी भी थी। वासेपुर रीमेक नहीं कह सकते इसको, लेकिन पूरी स्टार कास्ट से लेके डायरेक्टर प्रोड्यूसर सब, रीमेक तो नहीं कहूँगा, क्योंकि देखिए गैंग्स ऑफ वासेपुर एक अलग फिल्म है, क्योंकि वहाँ सोशियो पॉलिटिकल और एक समय को डॉक्यूमेंट करने की कोशिश थी, वेराज मसान जो है बड़ी इंटरनल स्टोरीज हैं, बड़ी इंटरपर्सनल स्टोरीज हैं। उससे जुड़ा हुआ है, श्वेता भी उससे जुड़ी है। विक्की, मैं और करुणा दत्त, जो हम तीन असिस्टेंट थे, करुणा दत्त इस फिल्म की मसान की फर्स्ट असिस्टेंट बनी,
फिर विक्की कौशल जो है फिल्म के एक्टर बने, लीड एक्टर बने और मैं डायरेक्टर बना। अनुराग जी इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं, गुनीत प्रोड्यूस कर रही है, जो मसान सबसे इंटरेस्टिंग पंकज त्रिपाठी जी इस फिल्म में हैं, जो गैंग से वासेपुर में सुल्तान रहे हैं, ऋचा चड्ढा तो है ही, और गैंग से वासेपुर में जेपी सिंह जो थे जो रामाधीर के बेटे बनते हैं वो इसमें इस फिल्म में हैं, और बहुत सारे टेक्नीशियंस भी हैं। नितिन बैद मेरा जो एडिटर दोस्त था वो इस फिल्म में एडिटर है, और श्याम कौशल जी है इस फिल्म में। और लोगों के अलावा एक और तरीका है जो इस फिल्म से जुड़े थे कि बनारस, क्योंकि गैंग से वासेपुर भी 4 महीने हमने बनारस में शूट किया था। अनुराग है तो बनारस तो कहीं ना कहीं, हाँ, लेकिन कहानी पहले आती फिर बना मतलब जगह बाद में आती है, तो ये ऐसा एक संजोग हो गया कि हम लोग गैंग से वासेपुर बनारस में शूट किए थे और बिहार झारखंड को वहाँ क्रिएट किए थे, और इतने सालों बाद फिर से हम वहीं पहुँचे। क्या इस फिल्म को बनाने के लिए गैंग ऑफ वासेपुर का सहारा लेंगे आप, थोड़ा बहुत पब्लिसिटी में या फिर होर्डिंग में बनाने वाले? देखिए, अनुराग ये कहते हैं कि ये फिल्म इतनी अच्छी है कि अपने बलबूते पे चलेगी, तो इसे किसी की ज़रूरत नहीं है, तो हम तो मैं तो खुश हो जाऊँगा कि हम कहीं पर भी हमको एसोसिएट करा, तो क्योंकि मैं उस फिल्म को बहुत तजुद। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हो गया, चलिए विजुअल ले लो, विजुअल ले लो, खड़े हो जाओ, सही थे ना सर सवाल?